गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। इन टुडेज असाइनमेंट स्टूडेंट, वी आर डूइंग आवर क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2, द फ्रेंडली मंगूज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूज इनटू द हाउस। इस क्वेश्चन का ट्रांसलेशन है कि वह किसान उस नेवले को क्यों लेकर आया था घर में। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा था स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ था उसमें लिखा हुआ था कि वह किसान अपने बेटे के साथी के लिए, ठीक है, यानी कि उसका बेटे का कोई कंपेनियन नहीं था, इसलिए वह उस नेवले को लेकर आता है। व्हाई डिडंट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द बेबी मंगूज। सेकेंड क्वेश्चन है ये कि किसान की पत्नी अपने बेटे को उस नेवले के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। द फार्मर्स वाइफ थॉट, किसान की पत्नी ने सोचा, दैट द मंगूज माइट हर्ट इज बेबी, कि शायद वो नेवला उसकी उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। सो शी डिड नॉट, इसलिए वह अपने बच्चे को उसके पास नहीं छोड़ना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूज विद हर बास्केट। किसान की पत्नी ने अपने टोकरी, यानी कि जिसमें ग्रोसरीज थी, किराने का सामान भरा हुआ था, उससे नेवले पर प्रहार क्यों किया। स्ट्राइक का मतलब होता प्रहार करना। द फार्मर्स वाइफ स्ट्रक द मंगूज विद हर बास्केट बिकॉज, प्रहार किया था क्योंकि शी थॉट, उसने सोचा, दैट द मंगूज हैड हर्ट हिज सन, कि नेवले ने उसके बेटे को चोट पहुंचाई है या फिर मार दिया है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो गेट में एंटर कर रही थी तो उसने नेवले के मुंह पर खून सना हुआ देखा था, लगा हुआ देखा था, तो उसने इमेजिन किया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर। किसान ने क्या कहा, यानी कि किसान के क्या विचार थे अपनी पत्नी के डर पर, जो पत्नी उसकी पत्नी डर रही थी कि इस नेवले को उसके साथ छोड़ना सही नहीं है। द फार्मर टोल्ड हिज वाइफ नॉट टू बी अफ्रेड, किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मंगूज इज ए फ्रेंडली एनिमल, क्योंकि नेवला एक मित्रतापूर्ण जानवर है। डिड सी रिपेंट ऑन हर हैस्टी एक्शन, क्या उसकी पत्नी अपने इस उतावलेपन पर पछताई थी। रिपेंट का मतलब होता है पछताना, हैस्टी यानी कि तुरंत लिए गए निर्णय या फिर उतावलेपन। How does she show her repentance? उसने अपना पछतावा कैसे दिखाया? Yes, she repented on her hasty action. हाँ, उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। She showed her repentance by weeping loudly. और उसने अपना ये पछताना कैसे शो किया था? जोर जोर से रोकर।